फैमिली, जो जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता होगा उसे तो पता ही होगा कि मैंने इस टोन में बोला है तो ये कहाँ बोला जाता है। जी हाँ, तारक मेहता के भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं मतलब मैडली, मैं या मेरी पूरी फैमिली बहुत मैडली देखता है उसको, तो मैंने सोचा कि आज उस अंदाज में बोला जाए गुड मॉर्निंग आप लोगों को। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ही ज़्यादा ठीक हूँ और होप करती हूँ कि आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरी दूसरी फैमिली है तो आप लोगों का अच्छा रहना बनता ही है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं मंदिर गई थी, मैंने पूजा किया। एक्चुअली आज कुछ स्पेशल डे है, स्पेशल बोले तो आज हमारी शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से किया जाए। वैसे तो मैं डेली पूजा करती हूँ, जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, मैं मॉर्निंग में उठ के पूजा करती हूँ, बट मैंने सोचा कि आज चलते हैं मंदिर, भोले बाबा का दिन भी है और भोलेनाथ के दर्शन मंदिर में चल कर करते हैं, क्योंकि भगवान को घर में बुलाना अच्छा नहीं होता है, भगवान से जाकर मिलना चाहिए, क्या बोलते हो? तो इसलिए मैं गई थी मंदिर, मैंने पूजा किया अच्छे से और मैंने फ्लावर्स लिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा, तो मैंने वहीं से रोजेस लिए और हबी को ला के दिया मैंने। अभी वो कुछ काम से बाहर गए हैं और मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ मीठा बनाया जाए। तो नॉर्मली मैं बहुत सारा स्वीट्स बना के उनको टेस्ट करा चुकी हूँ, तो मैं आज एकदम सिंपल डिश बनाने वाली हूँ और वो है आटे का हलवा। मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छे तरीके से बनाने वाली हूँ आज, मैं ऐसे ही नहीं बनाने वाली हूँ, एकदम ऑथेंटिक जैसे गुरुद्वारे में मिलता है हलवा, वैसा एकदम प्रॉपर घी वगैरह डाल के बनाने वाली हूँ। तो उसकी रेसिपी भी आप लोगों को अगर चेक करना है तो मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो मैंने सोचा कि मिठाई केक वगैरह तो नॉर्मली हर कपल एक दूसरे को खिलाते हैं, विश करते हैं, हम लोग क्यों ना थोड़ा देसी तरीके से एनिवर्सरी भी मतलब मनाया जाए। तो अभी वो बाहर गए हैं तो मैं उसके पहले, उनके आने के पहले मैं हलवा फटाफट से रेडी करूँगी, और जब मैं वो आएँगे, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं जब वो आएँगे तब मैं वो आटे का हलवा दूंगी। और मैं आपको बता दूं, बाय द वे आई थिंक ये उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा देसी हैं, उन्हें मतलब वो हाई फाई वाली दिखावे वाली ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, उन्हें नॉर्मल देसी रोटी दाल सब्जी भुजिया दूध वो सारी चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद आती है बाहर रेस्टोरेंट के खाने वगैरह से, और मैं बिल्कुल ही अलग हूँ। तो मतलब मुझे बाहर के खाने ज़्यादा पसंद है, मुझे थोड़ा मतलब रेस्टोरेंट में जाना, अलग अलग डिशें ट्राई करना ज़्यादा अच्छा लगता है, बट वो पूरे पूरे देसी हैं। तो एनिवर्सरी हमारी है तो उनके हिसाब से मैं मनाती हूँ और वो देखते हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं, वो सब तो उनके ऊपर है, बट मैं अपने हिसाब से वो देसी तरीके से खुश रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आज देसी तरीके से उनको खुश किया जाए। तो बस मैं अभी फटाफट से सारा काम निपटाऊंगी और उसके बाद हलवा बनाऊंगी उनके आने से पहले, और फिर देखते हैं आगे आज का दिन कैसे बीतता है क्या है। वैसे तो मूवी देखने जाने का प्लान था, उन्होंने कल ही बोला था, बट अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, मैं खुद नहीं जाती, वैसे कुछ खास होता नहीं है। मैं जनरली बता दूँ आप लोगों को कि एनिवर्सरी हुआ, बर्थडे हुआ, या फिर कोई भी सेलिब्रेशन हुआ, मैंने पहले ही बोला है कि सारे सेलिब्रेशन फैमिली के साथ अच्छे लगते हैं, और फैमिली के नाम पे यहाँ पे सिर्फ हम ही दोनों और मेरा बेटा रहता है, तो क्या ही मतलब प्लानिंग, क्या ऊपर से काम वगैरह भी देखना रहता है, तो ऐसा कुछ खास होता नहीं, एकदम टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली की तरह ही एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होता है। मैं बस थोड़ा सा अच्छे से रेडी हो जाती हूँ, वो रेडी हो जाते हैं, अगर मन किया तो बाहर हम लोग घूमने चले जाते हैं, मूवी देख लिया, कुछ बाहर खा लिया, शॉपिंग कर लिया, एंड देन हम लोग घर आ जाते हैं, नहीं तो घर में ही हम लोग जो भी होता है वो करते हैं। और मैं बार बार आपको हाथ दिखा रही हूँ तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने मेहंदी लगाया है, और ये मैंने मेहंदी खुद से लगाया है, मैंने सोचा सावन का महीना है तो चलो मेहंदी भी लगा लेते हैं, तो मैंने मेहंदी लगाया कल, बताइएगा कैसा लग रहा है, खूब अच्छा लग रहा होगा। तो और ज़्यादा ना पकाते हुए, मैं भी ऐसा लगता है कि सामने कोई बैठा हुआ है और उससे बकबक बकबक कर किए जा रही हूँ तब से, तो और ना पकाते हुए अभी मैं रखती हूँ और अब मैं आपसे मिलती हूँ सारे काम करने के बाद।
काम कंप्लीट कर लिया है और देखिए कैसे मतलब सकल हो गई है, पूरे पसीने से मतलब भीग चुकी हूँ। वैसे मैंने हलवा बना दिया है और अभी आ चुके हैं, मैं आइडिया नहीं था कि मैंने कुछ बनाया है, तो मैं अभी उन्हें ले जाने के लिए इसको रेडी कर रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये रहा मेरा हलवा और मैंने साथ साथ में दो रोजेस भी रख दिए हैं ताकि थोड़ा स्पेशल लगे, थोड़ा अच्छा फीलिंग हो इसीलिए। और बाय द वे हबी आए तो उन्होंने मुझे एक रोज़ गिफ्ट दिया है और बहुत सारे चॉकलेट्स दिए हैं, तो उसे मैंने अभी फ्रिज में रख दिया है और इसे मैंने अभी यहाँ पे ऐसे ग्लास में डाल दिया है ताकि ये ऐसे ही खिला और खिल जाए। और मैं उनके लिए ये हलवा और गुलाब लेके जा रही हूँ, होपफुली उनको अच्छा लगेगा। मैं उन्हें वीडियो में नहीं लेती हूँ क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है ऐसे सामने कैमरे के सामने आना। अगर वो इन फ्यूचर कभी बोलेंगे तो मैं ज़रूर उनसे भी आपको मिलवाऊंगी और बात कराऊंगी। और आप लोग इस हलवे की रेसिपी को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और आप देख रहे होंगे जैसे कि साइड से घी दिख रहा है, अगर आप इसको इस तरीके से बनाइएगा तो ही ये एकदम अच्छे से बनता है और एकदम गुरुद्वारे के हलवे जैसे लगता है। मैंने इसमें कोई भी इलायची वगैरह कुछ नहीं डाला, आप चाहे तो उसको डाल सकते हैं, बट ये ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये मैंने रोजेस खरीद के रखे हुए थे पहले से ही, तो चलिए फिर चलते हैं और उनको देते हैं। तो मैं फिर से वापस आ गई हूँ, मैं अभी आपको मिल रही हूँ दोपहर में 3 बजे। एक्चुअली मैंने उस वक्त बनाया ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैंने हबी को दिया और हलवा उन्हें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो पूरा का पूरा चट कर गए थे हलवा। और उसके बाद मैंने अपने लिए बनाया पनीर टिक्का, मैंने वो खाया और उन्हें मतलब हबी को एक्चुअली पनीर पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने उनके लिए हलवा बनाया था और मैंने खुद के लिए पनीर टिक्का बनाया। मैं इन दोनों की रेसिपी शॉर्ट्स वीडियो में डालने वाली हूँ, तो आप अगले कुछ दिनों में देख सकते हैं वहाँ पर। और अभी 3 बज रहे हैं, हबी का कॉल आया था कि तुम रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग बाहर चलेंगे। और बाहर चलेंगे फिर क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता, ये हबी को ही पता है। तो मैं रेडी होने जा रही हूँ तो मैंने सोचा ये छोटा सा अपडेट आपको दे दूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या ही रेडी हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, क्या मेकअप मतलब टिकने वाला है, मुझे तो लग रहा है मैं ऐसे ही चल जाती हूँ, क्या करूँ। बट थोड़ा तो पैम्परिंग खुद को करना बनता है ना, थोड़ा तो अच्छा दिखना बनता है ना, हर रोज़ तो आदमी जैसे मन वैसे रहता है, बट चलो कुछ स्पेशल डे पर थोड़ा तो अच्छा दिखना बनता है, तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ी अच्छी दिखूँ, बट मुझे नहीं लगता कि ये गर्मी दिखने देगा मुझे अच्छा। खैर मैं मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद और देखते हैं कि कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। उसके बाद हम लोग पहुँचे PNA मॉल, ये कुर्जी साइड में है, जो पटना में रहते होंगे उन्हें पता होगा। तो हम लोग का प्लान बना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम लोग मॉल में चलते हैं, वहीं पर हम लोग मूवी देखेंगे, कुछ खाएँगे और कुछ शॉपिंग करना होगा तो करेंगे। बट हम लोगों को पूछते मतलब बुकिंग ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया और ना ही शॉपिंग कर पाई। मैं गई और बस थोड़ा बहुत जो मैंने रिकॉर्ड किया है मैंने वही सब दिखाया और उसके बाद मूवी देखा और बहुत लोग और ऊपर से कुछ ऐसे दिख रहा है, हम लोग इसलिए हम लोग वहाँ से निकल KFC सामने दिख रहा है, बट अभी सावन चल रहा है तो नॉनवेज खाना अवॉइड करना है। और ये है गेमिंग सेंटर एवरीवन। मैं उसके बाद कुछ भी सूट नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, हम लोग को निकलने में काफ़ी लेट हो चुका था और हम लोगों का मूवी का टिकट था 6:30 का, तो हम लोग आए और आके सडनली मैंने जो थोड़ा बहुत सूट किया बस वही रिकॉर्ड किया। उसके बाद हम लोग मूवी देख चुके हैं और अभी हम लोग मूवी देख के निकले हैं, अभी रात के 9:30 हो रहे हैं, तो बस अभी निकलते हैं और कुछ डिनर करेंगे देन घर जाएंगे। लाइए हम लोग मॉल से डायरेक्ट बाहर घर जा रहे हैं, हम लोगों ने खाना ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया है। अब इतनी गर्मी है कि बार बार यहाँ वहाँ जाना और काफ़ी भीड़ भी रहता है डिनर के टाइम पर, तो बार बार हम लोग रेस्टोरेंट जाना आना नहीं करके हम लोगों ने सोचा कि ऑनलाइन ही कुछ मंगाते हैं और देन हम लोग घर पे ही खाएंगे, या फिर देखते हैं अगर मूड चेंज हुआ तो रेस्टोरेंट में चले जाएंगे। रास्ते से निकलते वक्त अगर कोई रेस्टोरेंट अच्छा लगा तो चले जाएंगे वहाँ पे, नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है तो घर पे बेटर होगा, बट देखते हैं क्या होता है। और बस ऐसी यही सब हुआ आज के पूरे दिन और होपफुली आपको ये छोटू मोटू सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस ब्लॉग को बहुत ही छोटा रखा है क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती थी इसलिए, और मैं चाहती थी कि आज 19th of July है तो कल या परसों मैं इस ब्लॉग को डाल दूँ, तो
इसके लिए मुझे आज इस और अभी इस ब्लॉग को एंड करना होगा, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।